अधिकांश साथी हिस्सा न ले ले तब तक यह बैठक आज जारी रहेगी और कल भी बैठक होगी। तो प्रयास इसी बात का है कि सभी जिला के साथी बोल ले, महत्वपूर्ण साथी बोल ले, इसलिए दो दिनों की बैठक रखी गई। इसमें बैठने में फिर हम कहेंगे कि आपको कठिनाई होगी, लेकिन आपसे आग्रह यही है कि आप शांति बनाकर रखिएगा, तब विमर्श में हिस्सा ले पाएंगे। अलग अलग साथी टेलीफोन के माध्यम से बहुत सारे साथी मिलकर, बहुत सारे साथी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों के संपर्क में रहे हैं, आप ही में से तो अलग अलग जो अपनी बात आप हम लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। पटना में हम साथ करने वाले सभी नेताओं ने, साथियों ने मिलकर विमर्श किया कि अलग अलग जो साथी संपर्क करके अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं, क्यों नहीं उनके साथ बैठकर एक बार सामूहिक रूप में बात हो जाए। तो इसीलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं, बिल्कुल इत्मीनान से आप रहिए। जिनके भोजन का भी इंतजाम साथियों ने किया है, शाम में चाय भी मिलेगी आपको, रात का भोजन भी मिलेगा, कल सुबह का नाश्ता भी मिलेगा, कल दोपहर का भोजन भी मिलेगा। तो इंतजाम है, लेकिन बीच में कोई साथी नारा नहीं लगाएंगे, दूसरा साथी कोई बोल रहा हो तो बाकी साथी बीच में आपस में बात नहीं करेंगे, मतलब पूरे तौर पे व्यवस्थित तरीके से बैठक चले। यहां से आपने अभी सुना ही कि अध्यक्षता के लिए एक अध्यक्ष मंडल का प्रस्ताव आया, आप सब लोगों ने ताली बजाकर समर्थन किया कि बैठक की अध्यक्षता एक अध्यक्ष मंडल करेगा। अध्यक्ष मंडल में शामिल हैं पूर्व विधायक और पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष डॉक्टर रणविजय सिंह जी, इसमें शामिल हैं जितेंद्र नाथ जी पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, शामिल हैं सुभाष कुशवाहा जी पार्टी की प्रदेश इकाई के उपाध्यक्ष, शामिल हैं रमेश कुशवाहा जी पार्टी के विधायक रह चुके हैं सिवान जिला में, और रेखा गुप्ता, श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो पार्टी की प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष हैं। तो इतने पांच लोगों का अध्यक्ष मंडल है जो शामिल है। अरे बैठे तो कहीं बैठे ना, कहीं जान बड़े। तो अध्यक्ष मंडल इस बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब अध्यक्ष मंडल के लोग मिलकर किसी साथी को संचालन की जवाबदेही देंगे, कैसे करेंगे इनका विषय है। यहां से जिस साथी का नाम पुकारा जाएगा वही साथी अपनी बात रखेंगे, जिनका नाम नहीं पुकारा जाएगा बीच में नहीं बोलेंगे, आपस में भी बात नहीं करेंगे। हाँ, जिनका नाम यहां से पुकारा जाए बोलेंगे, और किसी साथी को लगे कि मेरी बात भी इस बैठक में जानी चाहिए तो यहां से लोग आपसे कहेंगे कि आप अपना नाम दीजिए, तब आप अपना नाम भी पर्ची पर लिखकर दीजिएगा, तब दीजिएगा जब यहां से मांगा जाएगा।
तो उस तरीके से भी आप बैठक के विमर्श में शामिल हो सकते हैं। तो जो भी तरीका का रहेगा ही कि अधिक से अधिक लोग भाग ले लें, तो इसमें भी आपका सहयोग चाहिए। आप बोलिए तो उस वक्त आप बिल्कुल जो बात आपको कहनी हो सीधे टू द पॉइंट आगे बढ़ जाइए। यहाँ बहुत सारे नेता हैं, सब लोगों का नाम लेने लगिएगा संबोधन में, तो उसी में 4-5 मिनट लग जाए, तो मौका मिल जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखते हुए साथ ही साथ सब लोग चाहेंगे कि हम सब लोग भाषण दे ले, अपनी बात कह ले, तो 2 दिन पड़ेगा। तो तमाम तरह से एकोमोडेशन के बाद जनता को जब जब हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, जनता के सवालों पर आप सब लोगों ने साथ दिया है उसको आगे बढ़ाने में, इसके लिए मैं आप सभी मीडिया के बंधुओं का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपसे भी अपेक्षा है कि आज की बैठक के संचालन में आपका भी सहयोग चाहिए। सहयोग का मतलब कि जिस तरह से आपसे अपेक्षा की गई है, लिखकर आपको आमंत्रण दिया गया है, तो जितना आमंत्रण दिया गया है, जितना हिस्सा आपके जिम्मे आमंत्रण के रूप में दिया जाएगा, उतना ही आप लीजिएगा। उसे ज्यादा लेने का प्रयास नहीं कीजिएगा, वरना कठिनाई। हम तो पहले ही कह रहे हैं कि उतना हिस्सा आपको मिलेगा, साथियों ने अभी समय कितना हुआ है, 12:30 बजे आप सब लोग को फोटो खींचने के लिए, विजुअल लेने के लिए आमंत्रण दिया गया था, तो आप सब लोग उपस्थित हैं, ले लीजिए और उसके बाद कृपा करके बैठक चलने दीजिए। बाहर भोजन है, आप भोजन कर सकते हैं भोजन के समय पर, लेकिन अंदर फिर 4 बजे जो कुछ भी आज दिन भर साथियों की ओर से विमर्श के उपरांत बात आएगी, उसके बारे में एक ब्रीफिंग आपको दिया जाएगा 4 बजे। तो 4 बजे मीडिया के बंधु आए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।